हेलो दोस्तों, देखिए आरसीबी की पूरी तरह से लंका लग गई। मुंबई इंडियंस ने इतनी जोर का झटका दिया आरसीबी को कि पूरी तरह से तहस नहस हो गई आरसीबी। आरसीबी के नाम बड़े हैं, दर्शन जो है छोटे हैं। नाम तो बहुत बड़े लेकिन दर्शन जो है ना बहुत छोटे छोटे दर्शन है। और उसी छोटे दर्शन की वजह से स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसा पेरी, डिवाइन, ये जो प्लेयर है ना, बस के मतलब कि जो जब रन बनाने होंगे आपको, आपने पहले बैटिंग और आपके 39 रन में केवल 0 विकेट गवाए थे। उसके बाद 43 पे 4 विकेट हो गए, मतलब 4 रनों के अंदर 4 विकेट। हेली मैथ्यूज को देखिए, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जो है हेली मैथ्यूज है, ओ यार लगे 3 विकेट भी ले गई और 4 ओवर 28 रन देके उसके बाद 38 गेंदों में 77 रन की विशाल पारी खेल गई, जिसके वजह 202 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। इसके भी ब्रंट ने भी 29 गेंदों 55 रन बनाया, यार मतलब कि मार के भूरता बना दिया। आज आरसीबी वाले सोएंगे नहीं क्यों? आरसीबी से बहुत उम्मीद थी। देखिए आरसीबी, ये बात पहले भी हो रही थी कि आरसीबी ने जो टीम पिक की है वुमेन्स की डब्ल्यूपीएल के लिए, वो केवल बड़े नामों गए हैं, टीम बनाया नहीं है। देखिए बॉलिंग यूनिट तो इतनी ज्यादा अनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट है, प्रीति बॉस हो गई, प्रियांशा हो गई, ये मतलब कि बॉलिंग यूनिट उस तरह के नहीं है। मेघना सिंह रेणुका सिंह जरूर है, स्क्वाड भी अवेलेबल है, लेकिन वो रेणुका सिंह विकेट नहीं निकाल पा रही, स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है वो भी विकेट नहीं निकाल पा रही है, तो मसले बहुत ज्यादा। वहीं आगे अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस के पास तो 7 बॉलर्स हैं यार, मतलब बॉलर ऊपर से देखिए आपके हेली मैथ्यूज बॉलिंग करती है, बैटिंग करती है, उसके बाद देखिए जितने भी बॉलर खिलाया हुआ है उन्होंने, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जिसके पास 7 बॉलर होने के बदले जो बैटिंग कर सकता है और बॉलिंग कर सकता है। एमिलिया केर बहुत तगड़ी बॉल, 2 विकेट आज उसने, वो भी ले गई 2 विकेट, तो इस तरह इसी का 2 विकेट ले गई आज, तो इस तरह की पूजा वस्त्रकार 1 विकेट ले गई, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बॉलिंग उनके पास अवेलेबल है। मुंबई इंडियंस बहुत तगड़ी टीम लग रही है, बहुत हार्ड टीम लग रही है, और मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल, ये दो टीम ऐसी लग रही है जिसे इनविंसिबल कह सकते हैं कि इनको हराना काफी मुश्किल लग रहा है डब्ल्यूपीएल में। अभी दो ही मुकाबले हुए, दोनों मुकाबले में इतनी शानदार तरीके से विजय प्राप्त है। मुंबई इंडियंस ने लगभग 6 ओवर पहले 155 चेस कर लिया भाई, आप समझ सकते हैं 155 में कुछ रन होते हैं डब्ल्यूपीएल, अब महिलाओं क्रिकेट में 155 कुछ होते हैं, और सिर्फ 6 ओवर पहले ही आपने मुकाबला खत्म कर दिया, तो आप सोचने वाली बात होगी। 9 विकेटों से जीता है मुंबई इंडियंस, 9 विकेटों से। आरसीबी को आप सोचना होगा, 2 मुकाबले हार चुके हैं, 1-2 मुकाबले और हारेंगे तो सीधे निकल जाएंगे ग्रुप स्टेज से ही, बाहर हो जाएंगे डब्ल्यूपीएल के, तो यह चीज आरसीबी थोड़ा ध्यान देना होगा कि अब गुंजाइश गलती नहीं है। ऊपर से स्मृति मंधाना का स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, पहले मैच में 31 बनाया, आज 23 बनाया, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े इनिंग में तब्दील नहीं कर पा रही है। स्मृति मंधाना को एक साइड से खड़ा रहकर खेलना ही होगा, अगर 170-180 कम बनता है तो मतलब कि आरसीबी रन चेस बचा नहीं पाएगी। रेणुका सिंह अच्छी बॉलिंग कर रही है लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है, स्कॉट बॉलिंग कर अच्छी कर लेकिन विकेट नहीं मिल रहा, उसके बाद प्रीति बॉस, मतलब कि जो बॉलर है काफी अनएक्सपीरियंस बॉलिंग का अटैक है, तो ये चीज थोड़ा समझना होगा। उसके बाद प्रियांशा है, वो भी अनएक्सपीरियंस नई खिलाड़ी अभी है, तो ये चीज देखना होगा आरसीबी को। बाकी बहुत नाइटमेयर साबित हुआ है आज का दिन आरसीबी के लिए। आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करो, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इस वीडियो में।